करो एक बार आओ ये। और ये यमुना नदी है, यहाँ पे मतलब सिक्का डालना पड़ेगा तब पानी निकलेगा। ये मिट्टी है जो कान्हा जी ने खाई थी। ये तो ग्लूकोज चढ़ गया। सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम टू न्यू एपिसोड। तो कैसे हैं आप सब, होपली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मजे में। तो अभी मैं नहा के आया यार, और आज तो इतनी मस्त नींद आई ना, पूछो मत। अब मैं दोबारा से 8 या 10 डेज ट्रैवल कर लूंगा आराम से। मेन यही होता है यार, नींद ना आए ना तो तबीयत खराब हो जाती है, और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी। और आज नाश्ते में मैंने समोसा, अनुज बंसल जी लेकर आए हैं यात्रा पर, और संगत के लिए समोसे बन रहे हैं गर्मा गर्म। और हमारे विक्की हलवाई साहब जो कि सहसपुर से हैं, और हम इनके चेले हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। बाकी अब यहाँ से जाएंगे हम बरसाना और रमन रेती तो जहाँ पे हमें ना, जहाँ पे हमने स्टे लिया है वहाँ से तो पास है, और जो बरसाना वो थोड़ा दूर है, तो अभी वहाँ पे जाएंगे। और मेरा थोड़ा सा इशू हो रहा है यार, आईफोन है जो आईफोन में स्टोरेज नहीं है, और जो गोप्रो है गोप्रो में बैटरी नहीं है, तो मेरे को पता नहीं कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा। जिस धर्मशाला में हम रुके हैं ना, उसमें जो प्लग का सीन है ना, आधे प्लग उसमें से चल नहीं रहे, तो बैटरी का सीन हो रहा है। चार्ज कहाँ पे करें कहाँ पे नहीं, अब देखते हैं चार्ज होगा कैसे होगा, करना तो पड़ेगा यार एडजस्ट। और मेरे पे ये है ना, गोप्रो का जो चार्जर आता है वो नहीं है, मैं गोप्रो में डायरेक्ट लगा के तब चार्ज करता हूँ। अगर गोप्रो का चार्जर होता तो ईजी पीजी पड़ जाता, बट मैंने लिया नहीं था क्योंकि वो इतना ज़रूरी नहीं होता यार, मगर ट्रिप के लिए ज़रूरी है। तो देखूंगा अगर पैसे होंगे तो बाय कर लूँगा। सोड़ी नीचे जहाँ पे हमारा धर्मशाला है ना, वहाँ पे शॉप है, तो अभी हमने फ्रूटी ली। बाकी यार अभी का ये सीन है, मेरे को ना एक चीज़ याद आई यार, एक चीज़ मेरे को ये याद आई कि जब भी हम कोई सी भी लोकेशन में जा रहे हैं ना, कोई से भी मंदिर में जा रहे हैं, तो जब हम दर्शन कर ले रहे हैं ना, तो उसके बाद बारिश ज़रूर हो रही है। अभी तक हम जितने भी मंदिर में गए वहाँ पे सब जगह ऐसा ही हुआ। अब आगे देखते हैं होगा या नहीं, क्योंकि हमारा आज और कल 2 दिन है बस, आज और कल, फिर हमारी जो ये वाली यात्रा ये पूरी ख़त्म हो जाएगी। और मैं ये लेट लेट ब्लॉग डालूंगा। अम पोज, रुको ऐसे करो, ऐसे ये है वो है। तबीयत खराब ये तो ग्लूकोज चढ़ गया। इतने बड़े टैंक करो आप, इतनी पानी की कमी पड़ रही, हमारे अंदर तो है भी नहीं कुछ। बट ये चीज़ें ना होती है यार, यात्रा में ना तबीयत खराब हो जाती है, मेरी भी तबीयत खराब हुई थी। मेरे को ना घूमने की आदत है, तो मैंने कंट्रोल वगैरह कर लिया था, और बॉडी इतनी वो हो चुकी है, जो तबीयत खराब होती है ना वो ठीक कर देती है उसे अपने आप से ही। थोड़ी बहुत ही हुई थी मेरी, इतनी नहीं हुई थी, बट उनके तरह ग्लूकोज चढ़ गया भयंकर, और ऊपर से हंस रहे। मैं होता मैं तो कभी ना चढ़ा रहा ग्लूकोज में, क्योंकि मेरे को इंजेक्शन से डर लगता है। समोसा भी दस कुछ नहीं, क्या चीज़ डोर वगैरह तो अपना बंद करेंगे। चलें फिर, चलो। तो लास्ट बार यार सामान वगैरह देखने आए थे, कुछ सामान ना रह गया, बाकी अब निकल रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे रमन रेती। यहाँ देखो एक जुगाड़ है, यहाँ पे मतलब सिक्का डालना पड़ेगा तब पानी निकलेगा। रुको मैं पहले ये डालता हूँ। हैं, हाँ ये ब्रो भाभी के लिए। देखिए का कितना पानी है। ओ भाई पीना कैसा है, बिस्लरी वाला है या वो ये खा रहा है? ठीक है, सेंसपुर वाला है पानी भाई। आपकी वाली है, इसे भी खोल के रख, इसे करके एकदम ये वाली लगा देना। ठीक है, डालू सिक्के तो बहुत है मार भाई, फुल करके लगाएंगे टैंकर। आ जाओ पीछे करके लाएंगे, लेंगे लेंगे। गए आएगा पानी, आएगा इसके। हाँ ये तो है, 5 रुपए 10 लीटर, 1 रुपए 1 लीटर, और 1 और 5 का ही है, 2 का भी नहीं है। 10 का भी नहीं डाल रहा। 10 का सिक्का तो अलाउड ही नहीं है यहाँ पे, चलता नहीं 10 का सिक्का। सो फाइनली वी आर इन गोकुल ब्रह्मांड घाट। सो बड़ी ये वो वाली जगह है जहाँ पे ना कृष्ण भगवान जी ने अपने मुंह से ना पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था अपनी माता। तो बड़ी ये ना पूरा का पूरा ब्रह्मांड घाट है, और अंदर एक भगवान जी की मूर्ति है, उसके भी दर्शन कराऊंगा मैं आपको। और ये यमुना नदी है, ये देखो घाट बना रखी है पूरा। सो पहले ना हम ब्रह्मांड घाट आए, रमन रेती इसके बाद जाएंगे। सामने कान्हा जी हमारे जो मैंने मंदिर है, राधे राधे।
और ये शालिग्राम है नीचे आपको येलो और ब्लैक में दिख रहे हो। जय बजरंगबली। सोमी भाई पानी लेने गए हैं तो यहाँ पे भी शिवलिंग जी पे पानी चढ़ाएंगे। और बड़ी आज है 17, कल है 18, 18 को जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी वाले दिन हम घर पहुंचेंगे। बाकी यहाँ के दर्शन तो हम कर लिए, अब चलेंगे हम रमन रेती। बाकी ये प्रसाद है यहाँ का, ये मिट्टी है जो कान्हा जी ने खाई थी तो वो वाली मिट्टी है, ये देखो मैंने खा भी रखे है। और ये प्रसाद है यहाँ का, अभी मैं सबको बांट दूँ ये वाला प्रसाद। प्रसाद 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 मिट्टी है वो पागल जो खाना चाहिए खाई। और ये ना लेची दाना है, देखो कितने बड़े बड़े हैं। और ये ना बासुदी मम्मी शॉपिंग कर रही है, उन्होंने कान्हा जी रख रखा है और ये कान्हा जी की शॉपिंग कर रहे हैं। कान्हा जी की चड्डी, कान्हा जी का सिंहासन बैठने का, माला, चूड़ी, कपड़े, राखी, उनका मुकुट, खटिया। अभी हमने टीका लगवाया माथे पे, ये देखो चंदन और ये लाल वाला जो टीका है। मगर ये ना यार यहाँ पे ना प्योर चंदन नहीं है ये वाले मंदिर में, वरना एक मंदिर में हम गए थे वो भी कृष्ण भगवान जी का था, वहाँ तो प्योर चंदन था, मतलब वो अलग ही दिखता है यार, मतलब ठंडा कर देता माथे को ना। तो आप भी ये ध्यान रखना, अगर आप चंदन घर ले जा रहे हो, लगवा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, मगर अगर घर ले जा रहे हो तो प्योर चंदन की अलग ही होती बात। बाकी अभी यहाँ से जाएंगे हम रमन रेती। अरे अम्मा एक तो हीरोइन लग रहे हो तुम उसमें, हीरोइन मेरा बेटे का फोन पर भेज दे, वैसे लाओ इसमें फोटो खींच लेना, ये कर दो एक बार, ऐसे कर दो कर दो, ये ऐसे उठ मेरे पैली उसके, ऐसे कर दो ऐसे, चलो करो एक बार। सो फाइनली वी आर रमन रेती, और रमन रेती जा रहे हैं अभी। और रमन रेती इसलिए बोला जाता है, मेरे को थोड़ा सा पता है कि यहाँ पे ना कृष्ण भगवान रेत से खेलते थे तो इसका नाम तभी रमन रेती है। और रमन रेती में ना सुबह सुबह अगर आप आओगे तो यहाँ पे ना हाथी आरती करता है, तो आरती आपको देखने को मिलेगी अगर आप यहाँ सुबह सुबह आओगे तो। और यार अभी ना मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, जो गोप्रो है ना, जो इसकी मेमोरी है ना, वो ऑलमोस्ट फुल होने वाली है। और जो आईफोन है, आईफोन में बैटरी तो है मगर उसमें स्टोरेज नहीं है, अब पता नहीं कैसे होगा। बाकी ये यहाँ का मेन एंट्रेंस, बाकी ये मंदिर है, ये मंदिर है, एक ये मंदिर है और ये मेन वाला मंदिर है। एक दो तीन चार और पाँच है, बट मेन जो कृष्ण भगवान जी हैं ये है। और यहाँ पे ना अब रेत में हम लेट लेट के जाएंगे, आसन बनाना है भगवान जी के लिए। बना लिया। और ये हरि का द्वार, हे रमन बिहारी हमारे, देखो एक छोटा बनाए एक बड़ा बनाए, बड़ा वाला राधा जी का, छोटा वाला कृष्ण जी का है, सब दुख दर्द हो जाएगा। माथे से लगाओ, माथे से लगाओ, गुलाब मुख में डालो, कंठ से लगाओ, रंग में भी टेस्ट है, भगवान ने खाई है, नाभि से लगा लो, ऊपर से दोनों भक्तों से लगा लो, हसो एक बार आ। देखो एक मिनट का टाइम बाकी है, ध्यान से सुनो, यहाँ आने का दो बड़ा महत्व है, पहला तो इसमें लेट लगाते हैं, सुबड़ी आना लेटते हैं मिट्टी में तो भी वही कर रहे थे। और यहाँ बोलते हैं कि जब तक आप बाहर जाओगे ना तब तक मिट्टी निकल जाती है, तो होप सो ना निकले क्योंकि घर में मिट्टी लेके जानी है। और यहाँ पे हिरण वगैरह हैं, और जहाँ पे हम लोट वगैरह होते ना, लोट लोट के मिट्टी लगाई थी ना, मिट्टी लेके घर जाते हैं और किस्मत वालों को मिलती हो, मतलब वहाँ से बाहर आते आते ना मिट्टी उतर जाती है, मगर मेरी नहीं उतरी यार, मैं तो मिट्टी लेके आया। और मैं मोर की बात कर रहा था ना, ये है मोर, और आज पहली बार मैं हाथ लगाऊंगा हिरण के। अभी अंदर गए थे रमन रेती में और वहाँ पे एक पार्क था और बाकी भगवान जी के
दर्शन किए वहाँ पे, आप लोगों को भी मैंने दर्शन करवाए। और वहाँ पे ना एक चीज थी यार कि ना जैसे हम अंदर घुसे ना वहाँ पे होता है ये ऑटोमेटिक अपने पैर ना उठने स्टार्ट हो जाते हैं और जाते ही आप डांस करना स्टार्ट कर दोगे। और वो चीज़ हमारे साथ हुई, हमने हर जगह ना हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैंने तो डांस किया भी नहीं कहीं भी, मगर वहाँ ना ऑटोमेटिक सीन हुआ यार, अपना आप ही डांस करने लग गए सबके सब, एक नहीं सबके सब डांस करने लग गए अपना आप ही, वो अलग चीज़ लगी मेरे को। बाकी यहाँ से एक और मंदिर पे जा रहे हैं यहाँ से, तो देखते हैं कौन सा मंदिर होगा, मेरे को नाम नहीं पता क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, तो इस वजह से। अभी यार हम मंदिर से निकले और सामने देखो कितना प्यारा व्यू दिख रहा है, सनसेट हो रहा है सामने।